This story is brought to you by tapeatale.com. नहीं, ये मेरी नेचुरल स्माइल नहीं है, ये तो वो ऑकवर्ड वाली स्माइल है जो मैं और पापा पिछले 9-10 सालों से एक दूसरे को देखकर दे रहे हैं। उससे पहले सब बढ़िया था यार। तब तो मेरे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और मैं अपने पापा की परी। ऑल्दो तब मुझे इन तीन शब्दों का मतलब नहीं पता था, पर जब मैंने हर इंस्टा बायो पर इन्हें पढ़ा ना, तब मुझे लगा कि कोई तो धांसू सी अचीवमेंट होती होगी ये। पर तब तक ना मेरे हाथों से अचीवमेंट जा चुकी थी। जैसे जैसे साल बढ़ने लगे, वैसे ही मेरे और पापा के बीच का फासला भी होल रेस टू पावर स्क्वायर होने लगा। या ये समझ लो कि हमारी भाषा ही अलग हो गई और हमारे बीच की लैंग्वेज ट्रांसलेटर बन गई मम्मी। खैर, ये बात तब की है जब मैं महज 16 साल की थी। रोज की तरह स्कूल से लौटकर मैंने घर में कदम रखा ही था जब मैंने नोटिस किया कि आज बहल परिवार में कुछ अतरंगी है। बिल्कुल शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। अब ये आपके घर के लिए अतरंगी चीज होना हो, पर बहल परिवार जिनके चीखने चिल्लाने की आवाज मोहल्ले के घर घर तक प्रसिद्ध है, अगर वो घर शांत है तो समझ लीजिए दया कुछ तो गड़बड़ है। मैं ड्राइंग रूम में गई तो देखा सामने खड़ी थी मम्मी, गुस्से से लाल। सोफे पर बैठे थे पापा, एक आगे से नहीं करूंगा वाला फेस बनाकर, और टेबल पर पड़ा था एक फिश टैंक जिसमें थी एक सुंदर सी गोल्ड फिश, जिसे देखकर मैं तो बहुत खुश हो गई थी। पर लगता है मम्मी को मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और झट से आई एक दिल दहला देने वाली आवाज, हाँ अब आप सभी पालना इसे, ये दो जानवर कम है घर में जो अब इसे भी ले आए हो। पहले ही बता दूं मेरा एक छोटा भाई भी है। फिर क्या था, पापा ने अपने डिसीजन को डिफेंड करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल मैं अकेले रख लूंगा इसका ख्याल, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या था, उस दिन से गोल्ड फिश को टाइम पर खाना खिलाना हो, फिश टैंक का पानी बदलना हो, या फिर मम्मी के तानों से गोल्ड फिश को बचाना हो, पापा वॉज ऑलवेज ऑन टाइम ऑन ड्यूटी। सच कहूँ तो हम सब भी ये देखकर शॉक हो गए थे, क्योंकि पापा की इतनी डेडिकेशन और पोजेसिवनेस तो हमने आज तक किसी चीज़ के लिए नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था इतने सालों से जो प्यार लगाव अटेंशन पापा ने इकट्ठी कर रखी है ना, सब उसी पर न्यौछावर कर रहे हैं। इन्हीं प्यार मोहब्बत के चलते एक दिन ना जाने क्यों मेरे घर पर आया मेरी क्लास टीचर का कॉल। नहीं, कोई पीटीएम नहीं थी और ना ही मैंने क्लास में टॉप किया था। वो क्या है ना, मैंने एक छोटी सी लड़ाई कर एक बच्चे को डेस्क से नीचे धक्का दे दिया था। यार डोंट जज मी ओके, मैं क्लास की सबसे ओबीडियंट लड़की थी, पर करती भी तो क्या, उस गुंडे बच्चे ने मेरी सीक्रेट डायरी जो फाड़ दी थी। आखिर एक ही तो चीज़ थी जो मुझे याद दिलाती थी कि मैं और पापा कभी क्लोज भी हुआ करते थे। हमारा हंसना खेलना, हमारी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें पापा चाहते थे बस मेरे मुंह से आई लव यू पापा सुनना और मैं चाहा करती थी बस एक चॉकलेट। इन सब मोमेंट्स के मेरे सामने चीथड़े उड़ गए थे। और सच कहूँ तो मुझे डर इस बात का नहीं था कि मैंने स्कूल में इतना बड़ा कांड कर दिया है, डर तो इस बात का था कि इस जुर्म की सुनवाई के लिए मम्मी के साथ साथ पापा को भी पेश होना था स्कूल में। फिर क्या था, अगले दिन मुंह लटकाए पपी फेस बनाए मम्मी से नजरें चुराए मैं मम्मी और पापा चल दिए स्कूल। अब जब रिसेप्शन पर पहुंचकर मुझसे मेरा नाम पूछा गया तो पापा ने बहुत कॉन्फिडेंस से बोला, यशिका बहल 10th B। पापा, हाँ 11th B, मैं पिछले साल थी 10th में। ओ 11th B, पापा 11th C। एक तो सिचुएशन वैसे ही सुपर वियर्ड थी, ऊपर से इस इंस्टेंस ने और गड़बड़ कर दी थी, और ये तो बस ट्रेलर था। जैसे ही मैं क्लास में पहुंची उस बच्चे के मम्मी पापा ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। ये सिखाया तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें, क्यों मारा मारे राहुल को, लड़की हो तो क्या कुछ भी करोगी। बस ये लाइन, लड़की हो तो क्या कुछ भी करोगी, इस लाइन पर किसी साउथ इंडियन फिल्म्स के हीरो की तरह एक सॉलिड एंट्री मारी मेरे पापा ने। एक्सक्यूज मी मैम, इसका क्या मतलब है, लड़की है तो हमने इसे किसी लड़के से कम नहीं सिखाया कुछ, तभी तो आपके बेटे को एक धक्के में गिरा दिया। और स्कूल के किसी भी टीचर से पूछ लीजिए, हमारी यशिका ने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। चेहरे से चाहे लगती हो पर इतनी बेवकूफ नहीं हमारी यशिका की किसी को बिना बात के मार दे। अब ये पापा मुझे डिफेंड कर रहे थे या एक्सपोज पता नहीं, पर जो आज तक मम्मी के सामने खुद के लिए नहीं लड़े थे वो आज सबके सामने मेरे लिए लड़ रहे थे। एट द एंड जब राहुल ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली और मैंने भी सेल्फ रियलाइज करके माफी मांग ली, अब था टाइम पापा को कन्फ्रंट करने का। पापा,
वो मैंने उसे धक्का इसलिए मारा क्योंकि कि पापा ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है कोई रीज़न ज़रूर होगा, अगली बार से मत करना। और सुनो, अपने लिए ना खुद लड़ना सीख लो, हर बार हर जगह शायद मैं नहीं होऊंगा ना तुम्हें बचाने के लिए। उनकी इस बात पर ना जाने क्यों 2 मिनट के लिए सब रुक गया, बैकग्राउंड में गिटार बजने लगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। और पापा से मुझे इश्क दोबारा हो गया। और उस दिन के बाद I realized कि ये जो सब कहते हैं ना, पापा की परी, पापा की परी, मैं नहीं हूँ पापा की परी जिसका वो हर शौक पूरा करते हैं। मैं तो पापा की गोल्डफिश हूँ जिसे वो इस काबिल बनाते हैं कि वो खुद अपने सारे शौक पूरे कर सके, जिसके साथ खड़े रहकर वो हर जंग नहीं लड़ते, बल्कि मेरे पीछे खड़े रहकर मुझे हर जंग लड़ने का हौसला देते हैं, जिसे वो दुनिया से छुपाते नहीं बल्कि गर्व से उन्हें मेरे किस्से सुनाते हैं। मैं नहीं हूँ पापा की परी। आज तो इस बात को भी पूरे 2 साल हो गए हैं। सच कहूँ तो अब भी हमारी इतनी बात नहीं होती, पर अब वो ऑकवर्ड वाली स्माइल ना मैं हूँ ना वाली स्माइल में बदल चुकी है। ये इश्क हग्स लॉन्ग ड्राइव्स तक आगे तो नहीं बढ़ा, लेकिन जनाब खुशी तो इस बात की है कि ये इश्क एक तरफा नहीं है। मोहब्बत का दिया तो पापा के दिल में भी रोशन है, चाहे अब वो उसे दिखाए ना। और अब जिंदगी ना सुहानी सी लगती है, क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स वी नो राइट, पापा का परा पापा की परी ना सही, पर पापा की गोल्डफिश तो हम सब हैं ही।